लखीमपुर में हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन, गुनहगार कौन? सियासी लड़ाई के बीच ये सवाल बेहद अहम है और इस सवाल का जवाब ढूंढती एसआईटी की टीम आज फिर लखीमपुर पहुंची। लखीमपुर में पुलिस ने एक बार फिर से सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की। एसआईटी टीम के साथ मामले में आरोपी आशीष मिश्र, अंकित दास और लतीफ उर्फ काले। क्या है लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का पूरा सच? लखीमपुर खीरी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? किसने रची साजिश? कितने गुनहगार? इन सवालों का जवाब ढूंढती एसआईटी की टीम लखीमपुर खीरी पहुंची। एसआईटी टीम के साथ मामले में आरोपी आशीष मिश्र, अंकित दास, शेखर भारती और लतीफ उर्फ काले भी था। एसआईटी की टीम के मन में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा को लेकर कई सवाल थे, इसलिए पड़ताल क्राइम स्पॉट पर की जानी जरूरी थी, तो फॉरेंसिक टीम के साथ लखीमपुर पहुंची। एसआईटी टीम ने पहले पूरे इलाके को प्रतिबंधित किया और फिर शुरू हुआ क्राइम सीन का रिक्रिएशन। एसआईटी का जांच में फोकस अब इस बात पर है कि वारदात के दिन कैसे क्या क्या हुआ, शुरुआत कहां से हुई और वारदात कहां आकर खत्म हुई, और इसीलिए आरोपियों से एसआईटी की टीम सवालों का जवाब जानना चाहती है। आरोप है कि वारदात वाले दिन अंकित दास थार गाड़ी के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर में सवार था। बताया जा रहा है कि मौकाए वारदात पर एसआईटी की टीम ने एक एक कर आरोपियों से वारदात के दिन की सारी डिटेल ली। आरोपियों के मुताबिक तिकुनिया में जिस थार गाड़ी से कुचले जाने की वजह से 4 किसानों की मौत हुई और आशीष मिश्र पर इस हत्या का मुकदमा दर्ज है, जिसके बाद पुलिस ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्र को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्र पूछताछ में ये नहीं बता पाया कि वारदात के दिन यानी 3 अक्टूबर को वो उस समय कहां पर था। आशीष मिश्र और उनके पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने बार बार कहा कि वारदात वाले दिन आशीष बनवीरपुर में आयोजित दंगल में मौजूद थे। तो तिकुनिया में मौकाई वारदात पर सीन रिक्रिएट करने के बाद एसआईटी की टीम आशीष मिश्र के गांव बनवीरपुर के लिए निकल गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.